आईएसबीएम विश्वविद्यालय ने सुदूर अंचल गरियाबंद में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यूनिवर्सिटी में 36 कोर्स से शुरुआत की गई है, जिसके लिए अलग अलग राज्यों से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। गरियाबंद नया जिला है, जो कि सत्र 2012 में अस्तित्व में आया था। यहाँ का 3000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं है और महाविद्यालय भी काफ़ी कम संख्या में है, जो क्षेत्र के उच्च शिक्षा के लिए अपर्याप्त हैं। आईएसबीएम विश्वविद्यालय आदिवासी जनसंख्या को उच्च शिक्षा और कौशल विकास हेतु अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। विश्वविद्यालय 36 पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है, जिसके लिए सभी संकायों के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। आईएसबीएम विश्वविद्यालय को औद्योगिक और समाज की आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्राप्त है। इसके क्षेत्र के निवासियों को रोजगार प्राप्त करने में काफी सहायता प्राप्त होगी और नियोक्ताओं को प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारी मिलेंगे। विश्वविद्यालय स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को ज्ञान और आत्मनिर्भर बनाता है, ताकि वे राज्य और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। विश्वविद्यालय एक अलग तरह का प्रयास करते हुए अपने मुंबई स्थित कार्यालय से व्याख्यान, वार्तालाप आदि का सीधा प्रसारण विश्वविद्यालय परिसर को करेगा और इसके लिए इंटरनेट सुविधा पर निर्भर भी नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय में योग्य, समर्पित और अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, मानवाधिकार और जागरूकता में वृद्धि का कार्य करेंगे। इससे उत्तरदायित्व पर्यावरण के प्रति सजगता प्रबंधन के तत्व से लोग परिचित होंगे। इनसे क्षेत्र के निवासियों के चहुमुखी विकास में सहायता मिलेगी। लगभग 36 कोर्सेज हैं हमारे यहाँ पर, 36 कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। LLB, BBA, LLB भी उसमें इंक्लूडेड है। BA, BCom, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड लॉ, ये 6 फैकल्टीज हैं हमारे यहाँ पर फिलहाल। बच्चों की जो एडमिशन जो है वो थोड़े डिले हो गए एक आध महीने, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक आध महीने में वो कोप अप हो जाएगा एक्स्ट्रा लेक्चर्स करवा के और साथ में वर्कशॉप्स करवा के एक्स्ट्रा टाइम देकर। फैकल्टीज फुली चार्ज अप हैं, उनको बहुत ही एक्साइटमेंट है उस एरिया में बच्चों को पढ़ाने के, एंड डेफिनेटली वो आई एम श्योर वो आगे कोप अप हो जाएगा पूरा एनुअल बेस एग्जामिनेशन। देखिए, हमारा पहला फोकस जो है वहाँ के जो गरियाबंद चूरा तालुका में, वहाँ से जो बैकवर्ड एरिया से जो बच्चे आते हैं उनको अभी हमने गवर्नमेंट कॉलेज से पता किया है, जैसे कोई बच्चा साइंस कोर्स करना चाहता है तो उसको वहाँ पे एक्सेस नहीं है। तो हमारी पहली ये कोशिश होगी कि जितना वाइड चॉइस वहाँ पे हम दे सके, उतना हम वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके। तो पहले तो हमें ये करनी है कि जितने सारे कोर्सेज़ के लिए वहाँ पे डिमांड है, जो बच्चे चाह रहे हैं, तो वो कोर्सेस हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने इसके लिए फैकल्टी का रिक्रूटमेंट किए हैं, सिलेबस प्रिपेयर किए हैं, तो इस पर काम हो रहा है। परिसर में नियमित पढ़ाई के साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहे हैं। इससे लोगों का आर्थिक विकास होगा। विश्वविद्यालय में अन्य विभिन्न कोर्स जैसे प्रौद्योगिकी, डिजाइन, कृषि, विशेष शिक्षा का कार्यक्रम, स्वास्थ्य विज्ञान, पैरामेडिकल और नर्सिंग आदि के पाठ्यक्रम भी आने वाले समय में प्रारंभ करने की योजना है। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट।